जिस वक्त पूरा यूरोप वॉर की आग में जल रहा था, उन्हीं दिनों कई सारे डिक्टेटर्स का भी जन्म वहां हो रहा था। ऐसा ही एक डिक्टेटर इटली में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा था। नाम था उसका मुसोलिनी। जी हाँ, वही मुसोलिनी जिसने इटली के राजा तक को वश में रखा था, जिसके लिए असासिनेशंस और लोगों को बदतर मौत देना खेल जैसा था। ये वही था जिसने फेसिज्म को जन्म दिया। इसकी वजह से ही इटली भी वर्ल्ड वॉर टू में हुई बर्बादी का हिस्सा बना। कौन था बेनिटो मुसोलिनी? क्या ये जन्म से ऐसा था, या इसे भी हिटलर की ही तरह सर्कमस्टांसेस ने ऐसा बनाया? कैसे ये इटली का तानाशाह बना? 29 जुलाई 1883 को दोविया दी प्रदापियो नाम के एक छोटे टाउन में बेनिटो मुसोलिनी का जन्म हुआ। ये टाउन उस समय रोमाग्ना के फोर्ली प्रोविंस में आता था। फेसिस्ट एरा में इस जगह का नाम बदलकर ड्यूसिस टाउन और ड्यूसिस सिटी कर दिया गया था। बेनिटो की माँ रोसा एक कैथोलिक स्कूल टीचर के तौर पर काम करती थी और इसके पिता एलेसान्ड्रो मुसोलिनी पेशे से एक ब्लैकस्मिथ थे। उन्हें पॉलिटिक्स में काफी डीप इंटरेस्ट था। बेनिटो के फादर एक सोशलिस्ट जर्नलिस्ट भी थे। वो पॉलिटिक्स में कुछ इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने अपने बेटे यानी बेनिटो मुसोलिनी का नाम भी लिबरल मेक्सिकन प्रेसिडेंट बेनिटो हुआरेस, इटालियन सोशलिस्ट एंड्रिया कोस्टा और एमिलकेयर किप्रियानी के नाम को मिलाकर रखा था। मुसोलिनी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, जहां शाय होने के बाद भी मुसोलिनी की अपनी टीचर्स और फेलो स्टूडेंट्स से काफी लड़ाइयां होती। मुसोलिनी बड़े होते हुए इतना बिगड़ गया था कि एक बार तो इसने अपने क्लासमेट को लड़ाई में पेन नाइफ से मार दिया था। इस इंसिडेंट के बाद मुसोलिनी को स्कूल से निकाल दिया गया था। मुसोलिनी ने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उसने अच्छे ग्रेड्स हासिल किए और स्कूल पास किया। मुसोलिनी ने 1901 में एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर के तौर पर काम किया, लेकिन 1902 में मुसोलिनी स्विट्जरलैंड चला गया, जिसका एक रीजन था। मुसोलिनी अपने यहाँ की कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज से बचना चाहता था, बट स्विट्जरलैंड आने के कई समय तक मुसोलिनी एक परमानेंट जॉब की तलाश में था। इसी समय स्विट्जरलैंड में इटालियन सोशलिस्ट मूवमेंट्स काफी जोरों शोरों से चल रहे थे, जिसके कारण मुसोलिनी ने भी इनमें पार्टिसिपेट किया। मुसोलिनी ने इसके साथ ही अपनी जर्नलिज्म की डिग्री भी पूरी की और एक सोशलिस्ट जर्नलिस्ट बन गया, जिसके बाद वो स्विट्जरलैंड के ही एक लोकल न्यूज़पेपर लेवेनीरे डेल लेवारोतोरे में एक एडिटर के तौर पर काम करने लगा। मुसोलिनी की एक बात काफी खास थी, ये जब बोलता था तो लोग सुनते बहुत ध्यान से थे। इसकी बोलने की पावर घसप की थी। मुसोलिनी अपने समय का वन ऑफ द बेस्ट ओरिएटर्स माना जाने लगा था। मुसोलिनी स्विट्जरलैंड के न्यूज़पेपर में लिखने के अलावा लोगों को इकट्ठा करके स्पीचेस भी देता, मीटिंग ऑर्गेनाइज करता। इसी दौरान मुसोलिनी इटालियन वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी बना दिया गया। अपनी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के कारण ही मुसोलिनी को एक बार व्लादिमीर लेनिन से मुलाकात करने का मौका मिला था। लोगों में मुसोलिनी काफी बड़ा फिगर बनता चला गया था। उसी समय 1903 में मुसोलिनी को वायलेंट जनरल स्ट्राइक के कारण पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बाहर आने के बाद उसे दोबारा इटली भेज दिया गया। इटली लौटने के बाद मुसोलिनी ने 1904 से 1906 तक इटालियन आर्मी को सर्व किया। मुसोलिनी इटली का एक प्रोमिनेंट सोशलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट, अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट बनता गया। मुसोलिनी को इसकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के कारण कई बार अरेस्ट भी किया गया। इसने अपना खुद का न्यूज़पेपर ला लोटा दी क्लासे यानी द क्लास स्ट्रगल के नाम से एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया, जो काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके कारण 1912 में इसे ऑफिशियल सोशलिस्ट न्यूज़पेपर अवेंटी का एडिटर बना दिया गया। एक एंटी नेशनलिस्ट एंड एंटी इंपीरियलिस्ट एडिटर होने के कारण इसने 1914 में शुरू हुई वर्ल्ड वॉर वन के अगेंस्ट में भी लिखा। मुसोलिनी वर्ल्ड वॉर वन में इटली के इंटरवेंशन को लेकर काफी अपसेट था, लेकिन मुसोलिनी ने एक वक्त के बाद अपना मन बदल लिया और जहां वो पहले वॉर के अगेंस्ट था, वही अब वो वॉर के फेवर में स्पीचेस देने लगा और लिखने लगा। फिर 1914 में इसे सोशलिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया। इसके बाद मुसोलिनी ने पोपोलो डी इटालिया नाम के एक न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया। यहाँ इसने पहली बार फेसिज्म के बारे में लिखना शुरू किया। इसके अकॉर्डिंग इसने सबसे ऊपर इटली को रखा। इसने लिखा कि आज से हम सभी केवल और केवल इटालियन है, इसके सिवा और कुछ नहीं। इवन अगर हमारे दिल से भी कोई चीख या पुकार निकलेगी तो उसमें भी केवल वीवा ला इटालिया, लॉन्ग लिव इटली की ही आवाज सुनाई देगी।
यहाँ मुसोलिनी इटली की मिलिट्री को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन सर्विंग के दौरान मुसोलिनी इंजर्ड हो जाता है। मुसोलिनी जब वॉर इंजरीज से रिकवर होता है तो देखता है कि इसके देश की हालत काफी खस्ता है। वॉर इटली को इकोनॉमिक रूप से काफी कमजोर कर देती है। ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एलाइड पावर्स ने भी इटली को इग्नोर कर दिया था, जिससे वहां के लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से होकर गुजरना पड़ा। और जब इटली सिविल वॉर के पीक पर था, तब मुसोलिनी ने फेसिस्ट पार्टी की नींव रखी। फैशिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। स्टेट को केवल वन पार्टी सिस्टम के अंडर काम करना होगा। फैशिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट में केवल सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए। धीरे धीरे मुसोलिनी ने इटली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए सबसे पहले मुसोलिनी ने हिटलर की तरकीब आजमाई। लोगों को उस समय एम्प्लॉयमेंट, बेहतर लाइफस्टाइल और सोसाइटी चाहिए थी, जिसका वादा मुसोलिनी ने उनसे किया। ये बड़ी बड़ी स्पीचेस देता। इसकी गजब की स्पीचेस और रैलीज देख के लोग इन्फ्लुएंस हो गए, जिसके बाद उसने सबसे पहले तो अपने ओपोनेंट्स को खत्म किया जो भी इसके खिलाफ बोलता। ये उसे ऐसी पनिशमेंट देता जिसे देख बाकी लोग बिना किसी पनिशमेंट के ही शांत हो जाते। लोगों में इसका डर बैठने लगा था। फैशिस्ट नेशनलिस्ट सोच को बढ़ावा देता और इसके अलावा किसी भी सोच की इसके सत्ता में जगह नहीं थी। मुसोलिनी अपने राज में इटली को कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि ग्रेट रोमन के समय वाला एम्पायर बनाना चाहता था। 1921 तक मुसोलिनी ने ऑलमोस्ट इटली को फैशिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू कंट्रोल कर लिया था। जगह जगह पर फैशिस्ट मूवमेंट्स होने लगे थे। हालांकि तब भी इटली में काफी सिविल अनरेस्ट था, जिसका फायदा उठाते हुए मुसोलिनी ने इटली के किंग से कहा कि अब इस देश को केवल मैं ही संभाल सकता हूँ। केवल मैं ही हूँ जो सिविल अनरेस्ट को शांत करा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे इटली का प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा। अक्टूबर 31, 1922 को मुसोलिनी इटली का यंगेस्ट पीएम बन जाता है। सत्ता में आने के बाद मुसोलिनी सबसे पहले सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर देता है। फिर वहां के किंग को एक लिस्ट देता है, जिसमें सभी उन लोगों के नाम होते हैं जिनके साथ वो कभी भी काम करना नहीं चाहता था। वो राजा को साफ कर देता है कि अब देश की पूरी अथॉरिटीज को चलाने वाला केवल वही है। जिसके बाद इटली फाइनली डिक्टेटरशिप के अंडर आ जाती है। ये एक साल में फुल डिक्टेटोरियल पावर्स को एस्टैब्लिश कर लेता है, जिससे प्रेस, ट्रेड यूनियंस, ऑपोजिशन पार्टीज को खत्म कर दिया जाता है। वैसे इन सब के बीच मुसोलिनी एक जीनियस आदमी के तौर पर भी उभर कर आता है। ये बहुत कम समय में अपने देश को दोबारा ट्रैक पर ले आता है। ये अपनी पावर्स के साथ साथ देश की बाकी परेशानियों पर भी खास ध्यान देता है। कुछ समय में ही मुसोलिनी अपने आप को इटली का डिक्टेटर घोषित कर देता है और खुद को ड्यूस यानी द लीडर का नाम देता है। मुसोलिनी अपने समय में एक पैरामिलिट्री यूनिट स्टैब्लिश करता है, जो ब्लैक शर्ट्स के नाम से जाने जाते थे। ये एक तरह से एक सिक्योरिटी यूनिट होती थी, जिसे द वॉलंटरी मिलिशिया फॉर नेशनल सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता था। इसे बनाया तो 1919 में गया था, लेकिन मुसोलिनी के राज में इसे ज्यादा एक्शन में देखा गया। 1923 के बाद इस यूनिट को सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ इटली बना दिया गया। इस यूनिट के लोगों का मेन काम केवल फैशिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलने वालों को खत्म करना और अपनी आइडियोलॉजी को लोगों में फैलाने का था। इस यूनिट के मेंबर्स ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते थे, जिससे इजीली उन्हें पहचाना जा सके। इन लोगों को अपनी अटमोस्ट लॉयल्टी के साथ बेनिटो के लिए काम करना होता था। देखा जाए तो इस ग्रुप को फॉर्म करने का क्रेडिट नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स को जाता था, जो साफ तौर पर पेजेंट्स और कंट्रीज लेबरर्स यूनियन को अपोज करते थे। मुसोलिनी के सत्ता में आने के बाद इन लोगों के काम करने का तरीका और ज्यादा हार्श हो गया। ये लोगों को वायलेंस के जरिए हैंडल करते थे, लेकिन मुसोलिनी इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करता था, जिसके कारण उसने इस ग्रुप को और बड़ा किया। देखा जाए तो 1923 तक इस ग्रुप में करीब 2,00,000 लोग शामिल हो गए थे। एज अ प्राइम मिनिस्टर, मुसोलिनी की सरकार पहले कुछ सालों में राइट विंग कोएलिशन गवर्नमेंट के तौर पर काम करती थी, जिसमें फैशिस्ट, नेशनलिस्ट, लिबरल्स और कुछ कैथोलिक पार्टीज आती थी। लेकिन मुसोलिनी किसी कोएलिशन गवर्नमेंट के बल पर अपने देश को नहीं चलाना चाहता था, बल्कि इसका मेन एम टोटलिटेरियन स्टेट को बनाने का था, जिसका सुप्रीम लीडर ये खुद को मानता था। मुसोलिनी ने अपने एम को पूरा करने के लिए अपने देश के लिए भी कई काम किए, जिसमें सबसे पहले इसने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लेजिस्लेशन पास किए, जो वेल्दी इंडस्ट्रियल एंड एग्रारियन क्लासेस को हेल्प करने वाले थे। इसके बाद जून 1923 में इसने एक लॉ पास किया, जिसने इटली के आने वाले कुछ सालों को पूरी तरह से बदल दिया।
इस लॉ को एचेरबो लॉ के नाम से जाना जाता है। इस लॉ ने इटली को एक सिंगल नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में तब्दील कर दिया। इसने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को काफी कम किया और कई एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया। इसी बीच एक इंसिडेंट भी हुआ जिसने इटली के लोगों को बेनिटो के खिलाफ कर दिया था। जाकोमो मैटियोटी नाम के काफी बड़े ऑपोजिशन लीडर का बेनिटो ने असैसिनेशन करवा दिया था। ये लीडर कंट्री में एक प्रॉपर वोटिंग की मांग कर रहा था, जिसके कारण बेनिटो ने सोशलिस्ट डेप्यूटी जाकोमो मैटियोटी की हत्या करवा दी। बेनिटो का मानना था कि फैशिस्ट आइडियोलॉजी में किसी तरह के विपक्ष की जरूरत नहीं थी। इस इंसिडेंट के बाद इटली की जनता बेनिटो के खिलाफ हो गई, लेकिन बेनिटो ने धीरे धीरे करके सभी को चुप करवा दिया। अपनी कमाल की मैनिपुलेटिव स्किल से बेनिटो जनता को कन्विंस करने में कामयाब भी हो गया। ऑपोजिशन लीडर की मौत के बाद बाकी बचे ऑपोजिशन के लोगों ने भी अपनी आवाज दबा ली। 1925 से लेकर 1927 तक बाकी बची सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को खत्म कर दिया गया, जिससे फाइनली इटली वन पार्टी सिस्टम लाने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। इस बीच बेनिटो को जान से मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती थी कि कोई भी इसका बाल भी बाका नहीं कर पाया। 1935 तक बेनिटो को अपनी पावर पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। यूरोप के बाकी देशों को देखकर बेनिटो ने भी इन्वेजन के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। 1935 में इथियोपिया को इन्वेड कर दिया। इथियोपिया पर अटैक करने का मेन रीजन इटली का पावर शो ऑफ था। वो कुल मिलाकर इटली की पावर दुनिया भर में दिखा देना चाहता था। इटली की आर्मी इथियोपिया में आंख बंद करके लोगों को मौत के घाट उतार देती है। कहीं कहीं तो इटालियन आर्मी ने पूरे पूरे गांव को ही जला दिया था। इथियोपिया इन्वेजन 1935 से लेकर लगभग 1941 तक चला। मुसोलिनी ने इथियोपिया को न्यू इटालियन एम्पायर बनाना शुरू कर दिया, जिसमें इथियोपिया के सभी 18 साल से बड़े मेल पॉपुलेशन को एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद सभी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और चर्च के प्रीस्ट एंड बिशप्स को खत्म करवाया गया। इथियोपियन इन्वेजन के दौरान हिटलर मुसोलिनी के काम करने के तरीके से काफी प्रभावित हुआ। इस समय दुनिया में नाज़िज़्म ने भी अपनी तेजी पकड़ी ही थी, जिसके कारण यहाँ से हिटलर और मुसोलिनी में काफी अच्छी दोस्ती भी देखी गई। इस दोस्ती के बेसिस पर ही हिटलर एंड बेनिटो के बीच 1939 में एक पैक्ट साइन हुआ। ये एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस पैक्ट था, जिसे पैक्ट ऑफ स्टील के नाम से जाना जाता था। इस पैक्ट में मेनली दो पार्ट्स थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट जर्मनी और इटली के बीच कंटिन्यूइंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन का ओपन डिक्लेरेशन था, और सेकंड पार्ट एक सीक्रेट सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल था जो यूनियन ऑफ पॉलिसीज को एनकरेज करता था। इसमें मिलिट्री एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज पर ज्यादा फोकस रखा गया था, यानी दोनों देश एक दूसरे का जरूरत पड़ने पर इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री तौर पर मदद करेंगे। मुसोलिनी ने भी इटली में जूस के खिलाफ कई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज क्रिएट कर दी। इस सब के अलावा 1935 से लेकर 1939 में इटली को एक हेवी वॉर कॉस्ट देखने को मिला। इटली का इथियोपिया में इन्वेजन के कारण काफी लॉस हुआ। इटली पर काफी कर्जा होने लगा। 1939 में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड करने का आइडिया मुसोलिनी के साथ शेयर किया, लेकिन इटली अभी इथियोपिया के इन्वेजन से ही बाहर नहीं निकला था, जिसके कारण मुसोलिनी हिटलर से पोलैंड के अटैक को पोस्टपोन करने की डिमांड भी करता है। लेकिन हिटलर इस बात से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद मुसोलिनी के पास भी वॉर में शामिल होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि मुसोलिनी पहले ही पैक्ट ऑफ स्टील पर साइन करके जर्मनी का वॉर में सपोर्ट करने का डिसीजन ले चुका था। वैसे इसके अलावा मुसोलिनी का वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने का एक रीजन और था। मुसोलिनी को लगता था कि अगर इस वॉर में जर्मनी और इटली ने मिलकर फ्रांस और ब्रिटेन को हरा दिया तो यूरोप पर केवल जर्मनी और इटली का ही राज होगा। इसके बाद 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर इन्वेजन के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले यूके और फ्रांस जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर करते हैं। इटली इस समय तक जंग में नहीं आता, क्योंकि बेनिटो को पता था कि अगर किसी भी स्टेज पर जर्मनी कमजोर पड़ा तो फ्रांस एंड यूके उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस समय भी मुसोलिनी शांत नहीं बैठा, बल्कि उसने अपने देश की बाउंड्री को और फैलाने के लिए जगह जगह इन्वेजन करना शुरू कर दिया। 1939 में ही बेनिटो ने अल्बेनिया को इन्वेड कर दिया। इटली इस बात से वाकिफ थी कि अल्बेनिया उनके सामने टिक नहीं पाएगा। अल्बेनिया उस समय इटली के सामने काफी कमजोर था, जिस कारण से इन्वेजन के केवल 5 दिन के अंदर ही इटली ने अल्बेनिया पर जीत हासिल कर ली। अल्बेनिया इन्वेजन से मुसोलिनी को अपने देश की आर्मी में एक कॉन्फिडेंस आने लगा,
जिस कारण इटली यहां रुका नहीं और 1940 में सीधे ग्रीस को इन्वेड किया। बट इन्वेजन के दौरान ग्रीक आर्मी ने इटालियन आर्मी को बुरी तरह उल्टे पैर खदेड़ दिया। इसी साल इटली ने इजिप्ट पर भी अटैक किया, लेकिन उसमें भी ये नाकामयाब रहा। हिटलर को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी आर्मी को इटली की मदद करने के लिए भेजा, जिसके बाद इटालियन एंड जर्मन आर्मी ने मिलकर ग्रीस एंड इजिप्ट को हरा दिया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में मुसोलिनी की पुअर वॉर लीडरशिप की बातें होने लगी। 10th जून 1940 को इटली ने ब्रिटेन एंड फ्रांस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस इटली को लगातार मात दे रहे थे। इटली को जवाब के तौर पर ब्रिटेन ने इटली के खिलाफ ऑपरेशन कंपास चलाया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश मिलिट्री का फर्स्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ फोर्सेस ने इटालियन फोर्सेस पर अटैक किए थे। ये सभी अटैक्स इटालियन आर्मी को वॉर से बाहर करने के लिए थे। इस ऑपरेशन में इटालियन आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन के बाद इटालियन आर्मी इतनी वीक पड़ गई थी कि 1941 तक वॉर में इटली का काफी बुरा हाल था। मुसोलिनी की आर्मी की कंडीशंस देखकर हिटलर ने आगे के वॉर प्लान्स में मुसोलिनी का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से कट कर दिया। बेनिटो को समझ आ गया था कि वो इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण बेनिटो ने लगातार जंग में अपनी लड़ाई जारी रखी। लेकिन 1942 की कैसाब्लांका कॉन्फ्रेंस में यूके के देन पीएम विंस्टन चर्चिल एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले इटली को इस वॉर से बाहर निकाल फेंकेंगे, साथ ही जर्मनी ट्रूप्स को भी रिट्रीट करेंगे, जिसके बाद एलाइड फोर्सेस ने सबसे पहले इटली पर मार्च करने की ठान ली। इस बात की खबर जैसे ही इटली के फॉर्मर किंग विक्टर इमैनुअल III को मिली, विक्टर इमैनुअल III ने बेनिटो को सत्ता से बाहर कर उसकी जगह पर पियेत्रो बेडोलियो को दे दी। पियेत्रो बेडोलियो इटली के काफी पावरफुल एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी थे। इन्होंने सत्ता में आने के दूसरे दिन ही बेनिटो की फैशिस्ट पार्टी को डिसॉल्व कर दिया और एलाइस पावर के साथ एक समझौता कर लिया। इन्होंने एलाइस के साथ एक आर्मिस्टिस साइन की। इस आर्मिस्टिस को द आर्मिस्टिस ऑफ कैसेबिल के नाम से जाना जाता था, जिसे 3rd सितंबर 1943 को एलाइस पावर्स एंड इटली के बीच साइन किया गया था। इटली को इस समझौते के तरह पूरी तरह से जंग को छोड़ना था और एलाइड पावर्स के वॉर प्रिजनर्स को छोड़ना था। इस समझौते के साथ ही किंग ने बेनिटो को गिरफ्तार करने का डिसीजन भी ले लिया। बेडोलियो ने बेनिटो को कैंपो इम्पेरेटोर नाम के एक जेल में बंद करवाया। ये जेल उस समय का सबसे सेफेस्ट जेल था, जहां काफी सख्त सिक्योरिटी थी। जून 1944 तक एलाइड पावर्स ने रोम को इन्वेड कर लिया था। हिटलर को जैसे ही पता चलता है कि मुसोलिनी को इटली एम्परर ने बर्खास्त कर दिया है और उसे जेल में बंद कर दिया है, वैसे ही उसने जर्मन आर्मी को इटली इन्वेजन पर भेज देता है। जल्दी ही जर्मन आर्मी नॉर्दर्न इटली को जीत लेती है। इटली इस इन्वेजन के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जर्मन आर्मी अब मुसोलिनी को फ्री कर देती है। उसके बाद हिटलर जीते हुए नॉर्दर्न इटली का रूलर मुसोलिनी को बना देता है। इसके बाद अब नाजी रूल के अंडर मुसोलिनी यहां लगभग 18 महीनों तक अपना राज चलाता है। लेकिन इस वक्त एलाइस की लगातार अटैक्स और नॉर्दर्न इटली में हो रहे पब्लिक रिवोल्ट से आखिरकार मुसोलिनी को भागने का रास्ता देखना ही पड़ता है। April 27, 1945 को बेनिटो मुसोलिनी अपनी प्रेमिका क्लारा पिटाशी के साथ इटली से भागकर स्विट्जरलैंड जाने को तैयार था, लेकिन इसका भागने का ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मुसोलिनी, क्लारा और इनके साथ के बाकी लोगों को रास्ते में ही पकड़ लिया गया, जिसके बाद 28th अप्रैल 1945 को मुसोलिनी, क्लारा और सभी लोगों को गोली मार दी गई। लेकिन यहाँ मुसोलिनी की मौत का अंत नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से शुरू होता है इतिहास की सबसे खौफनाक मौत का नजारा। नजारा इसलिए क्योंकि अगले दिन 29th अप्रैल 1945 को इन सभी लोगों की लाश को साउथ टू मिलान ओल्ड पियाज्जाले लोरेतो की सड़कों पर एक वैन से ले जाकर फेंक दिया गया, जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। ये लोग इटली के तानाशाह की मौत पर कोई शोक मनाने नहीं, बल्कि अपना बदला लेने के लिए आए थे। वैसे आपको बता दे कि जहां बेनिटो और उसके साथियों की लाश को फेंका गया था, सेम उसी जगह पर एक साल पहले बेनिटो ने 15 एंटी फैशिस्ट लोगों को भरी सभा में बड़ी क्रूरता के साथ मौत के घाट उतरवाया था। इस इंसिडेंट को यहां के लोग भूल नहीं पाए थे, जिस वजह से उसी सेम जगह पर सभी ने बेनिटो को सजा देने की ठान ली। लोगों ने एक एक करके बेनिटो की लाश से अपना अपना बदला लेना शुरू किया। मरने के बाद भी मुसोलिनी का मुंह खुला रहता है।
इसकी गर्लफ्रेंड क्लारा का चेहरा भी बुरी तरह से खराब हो जाता है। पर इतने में इस तानाशाह की जी हुजूरी करने वाला एक ऑफिसर वहां आता है और इसके शव को सल्यूट करता है, जिसे देख गुस्साई भीड़ उस शख्स को भी मारने लगती है। हालांकि शाम तक अमेरिकन ट्रूप्स आकर बेनिटो और बाकी सभी की लाशों को लोकल मॉर्ग भेज देते हैं, जहां सभी का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उन्हें दफनाया जाता है। इस तरह से इटली के सबसे क्रूर तानाशाह का अंत होता है। बेनिटो की मौत के साथ साथ जर्मनी भी वर्ल्ड वॉर टू में बुरी तरह से हारती है। यूएसएसआर के इन्वेशन का प्लान और अमेरिका का वॉर में इन्वॉल्वमेंट जर्मनी को बुरी तरह से हराता है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब हिटलर को मुसोलिनी की मौत की खबर मिली तो उसकी भी रूह कांप गई थी, जिस वजह से हिटलर ने अपने लोगों को खास तौर पर कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरा शव किसी के हाथ ना लगे, तुम मुझे जला देना। हालांकि हिटलर जिस धर्म को मानता था उसके अकॉर्डिंग उन्हें जलाया नहीं, दफनाया जाता था। पर यह हिटलर का बेनिटो की मौत के बाद डर ही था, जो उसने वॉर हारने के बाद खुद को गोली मार ली और खुद को जलवाने का हुक्म दिया था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इटली को काफी बुरे दौर से होकर गुजरना पड़ा। इटली के इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर बुरी तरह से बर्बाद हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ गया, कंट्री की करेंसी कोलैप्स कर गई। इटली की इतनी खराब हालत के कारण यूएसए ने मार्शल प्लान के तरह इनकी मदद की और इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार लाने की कोशिश की। फैशिस्ट रिजीम खत्म होने के बाद इटालियन पॉलिसीज एंड सोसाइटी को क्रिश्चियन डेमोक्रेसी के थ्रू डोमिनेट किया गया। क्रिश्चियन पॉलिटिकल पार्टी ने 1946 से लेकर 1994 तक इटली की सत्ता संभाला, जिस दौरान इटली अपने बुरे दिनों से लौटकर डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ी।